हेलो बच्चों, तो आज हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 8 और हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो आज एल्केन्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पायरोलिसिस, अरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन। ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पायरोलिसिस, अरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, आज 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अच्छा, हम आपको ये बता दें कि एल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जा रही है वो है हैलोजिनेशन, जो कि पिछले लेक्चर में आपने देखा हाइड्रोकार्बन के 7th लेक्चर में, और दूसरी ऑक्सीडेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन 9th में हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर की प्रॉपर्टीज एग्जाम में इतनी ज्यादा पूछी तो नहीं जा रही, पर सारी किताबों में दी हुई है, और हो सकता हो कहीं बीच में एग्जाम में छोटे से क्वेश्चन में कहीं बीच में लगा दे, तो आपको आनी चाहिए ये जो बातें हम बताएंगे। आज जितने भी रिएक्शंस हम बताएंगे सब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, सब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, तो उनके मैकेनिज्म बहुत खासे क्लियर नहीं है। किसी भी किताब में आप देखेंगे बहुत खासा उनके अंदर रिसर्च करके नहीं दिखाया है। ठीक है, तो जहां तक मैकेनिज्म हो सकेगा हम आपको बताएंगे, अदरवाइज हम आपको पॉइंट्स बताएंगे कि यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे ये बनता है, इस बात को नोट्स में डाल लीजिए, इस तरह की चीजें आपको सिखाएंगे। So, okay, my name is Alak Pandey and this is your very beautiful sa channel Physics Wala. तो पेन और कॉपी को वापस उठाएं, एल्केन्स का लेक्चर नंबर 8 आ गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का सेकेंड लेक्चर। तो आज जो प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो होगी नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, देन पायरोलिसिस, देन aromatization, देन आइसोमराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन से, हेडिंग लगाएं नाइट्रेशन। आईने के सब टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी बंदर थे, सौ में भी बंदर हैं। तो नाइट्रेशन की बात करते हैं एक खूबसूरत सी दोपहर में, आपके लिए शायद इतनी खूबसूरत ना हो क्योंकि पेपर चल रहे हैं। सो नाइट्रेशन की हम बात करें बच्चों, सो मान लो हमने कोई एल्केन ले लिया, ठीक है, और उस एल्केन का रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। तो हमने सोचा कि भाई काम हो जाएगा, पर कोई काम नहीं हुआ, देयर इज नो रिएक्शन, देर इज नो रिएक्शन। रीजन क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है कि एल्केन पैराफिन्स होते हैं, पैराफिन्स याद है, पैराफिन्स मतलब लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं करते। पैरा मतलब लिटिल, एफिनिटी मतलब चाहत, तो बहुत कम चाहत होती है इनकी किसी और रिएजेंट के लिए, किसी रिएक्शन के लिए। पैरा लिटिल एफिनिटी, पैराफिन्स बहुत लिटिल एफिनिटी है, बहुत हल्की, बहुत कम चाहत है रिएक्शन करने की। तो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे तो हमने देखा कि कोई रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर इन्हीं एल्केन को जब हमने हाई टेम्परेचर पे, जब हमने हाई टेम्परेचर पे, किताबों में टेम्परेचर 400 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, अगर हमने ट्रीट किया फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो हमने देखा हमें नाइट्रो एल्केन्स मिल रहे हैं। कब हो रहा है बच्चों रिएक्शन? हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर पे हमें क्या मिल रहे हैं? नाइट्रो एल्केन्स। क्या मिल रहे हैं? नाइट्रो एल्केन्स। जैसे मान लो हमने एल्केन लिया RH, यही होता है ना एल्केन का सिंबल, प्लस HNO3 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, OH NO2, बोले ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, OH हटाया, बचा क्या? NO2। ये क्या है? एल्केन। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। कैसा लिया हमने? कॉन्सेंट्रेटेड। देखा गया ये रिएक्शन करीब करीब 450 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, 400 से 500 के बीच में, और लिखा रहता है वेपर फेज में हुआ। ठीक है, मतलब जो अपना HNO3 है वो वेपर फेज में हो, आपको पता होगा HNO3 वैसे भी वॉलेटाइल होता है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, यहां से निकला H2O और बचा क्या बच्चों? बचा क्या? RNO2। क्या बचा? RNO2। ये क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो कैसे HNO3 को लिखना है देख लो, OH को हटा के इधर लिखा और NO2 को ऐसे लिखा, वेपर फेज में 450 डिग्री सेल्सियस पे किया, क्लियर? कई किताब में 400, कई किताब में 500 भी लिखा हुआ है। कब होगा? कब होगा? हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो मिथेन ले लें, CH4, तो मिथेन को मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3H, मिथेन ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड OHNO2, ध्यान से देखो HNO3 लिखा है, कैसा लिया? कॉन्सेंट्रेटेड, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, और क्या लिख दिया? वीपी मतलब वेपर फेज। तो वेपर फेज पे हमने देखा क्या निकला? H2O निकला,
क्या बचा CH3 और NO2, तो CH3NO2 नाइट्रोमिथेन क्या बन गया नाइट्रोमिथेन। तो ये रिएक्शन हमने देखा कि लोअर एल्केन्स में भी हो रहा है, हायर एल्केन्स में भी हो रहा है और कुछ इस तरह से प्रोसीड कर रहा है। तो अब आपके दिल में वही बात है क्या, छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता है ना, तो आपके दिल में बात है कि सर इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म मचा दो थोड़ा सा। तो आइए इसका मैकेनिज्म भी मचाते हैं हम, पहले इतना आप नोट करें ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन मैकेनिज्म मचाते हैं ये इसका, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, मिटा दें, ये बताना भी नहीं आता छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता। तो पहले देख लेते हैं रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था CH3 और एक H ऐसे लिख लिया था, OH और क्या लिखा था NO2 और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वेपर फेस और क्या लिखा है 450 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा यहाँ से निकलेगा H2O ऐसे टुर्रम 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 टू और क्या बनेगा CH3NO2 ऐसा होगा। तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें इन डिटेल, ऐसा तो होता होगा नहीं क्योंकि H को लेके OH निकल गया है, ये तो ऐसे तो देखते हैं बच्चे। तो बच्चों इसका जो मैकेनिज्म है, तो अगर आपको पता हो कि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, पिछले वीडियो में बताया, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और बच्चों एल्केन कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, एल्केन दिखाते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा हो या रिएक्शन मैकेनिज्म देख रखा हो तो आपको पता होगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप में पहली बार फ्री रेडिकल बनता है। तो हमने इसको उठाया नाइट्रिक एसिड को OHNO2 ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ 450 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको याद हो कि हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन प्रिफर होता है, हाई टेम्परेचर हो, ईथर लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, लाइट लिखा हो, इसमें क्या बनता है फ्री रेडिकल। तो ये वाला बॉन्ड होमोलिसिस से टूटेगा, किससे टूटेगा होमोलिसिस, होमोलिसिस याद है बराबर से, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है आधा आधा एक्चुअली में तो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो OH ऐसे लिख लो, अब ज़्यादा फील आएगा ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, तो यहाँ पे होमोलिसिस होना पॉसिबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन आ गया OH, एक इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन चला गया NO2, ये बन गया फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो तो होता था प्रपोगेशन, प्रपोगेशन में क्या होता था एक फ्री रेडिकल बाकी सबको भी फ्री रेडिकल बनाता है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो ये फ्री रेडिकल आया, इसने कहा मुझे क्या चाहिए स्टेबिलिटी, भाई साहब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाना चाहता है, ये किससे जाएगा फ्री रेडिकल मांगने, ये फ्री रेडिकल मांगने गया मिथेन से, हे मिथेन यस OH तुम मेरे को फ्री रेडिकल दोगे, हाँ मैं देगा, कैसे देगा मिथेन यहां से ए ए ए ऐसे, समझ में आया। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, तो यहां पे भी होमोलिसिस, ये सब तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले लेक्चर में आप देख चुके होगा, यहां से H डॉट जाके OH से जुड़ जाएगा बनेगा H2O और बनेगा CH3 डॉट, अपना बन गया फ्री रेडिकल। लास्ट स्टेप होता था चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में जितने फ्री रेडिकल बंधे थे सब आपस में जुड़ते हैं। तो मेजॉरिटी में यहाँ फ्री रेडिकल कौन सा बचा है CH3 डॉट बच गया है और कौन सा बचा है NO2, OH तो यूज हो गया ना मेजॉरिटी में, वैसे तो बहुत प्रोडक्ट्स बहुत बनेंगे NO2, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3NO2 नाइट्रोएल्केन। नाउ इफ यू एड द फॉलोइंग रिएक्शन यू विल गेट द अबव रिएक्शन, सी इफ यू एड ऑल दीज रिएक्शन you will see OH dot cancel with OH dot and you will also see that CH3 dot cancels with CH3 dot. So if you add the following reaction, NO2 dot also cancels with NO2 dot. If you add these reaction on the left hand side, you get CH3H and OH NO2 on the LHS and on the right hand side, you only get H2O and CH3NO2 as written above. Clear hai? Tino reaction ko add karo to final reaction aa rahi hai. Matlab ye mechanism well explained hai. Pehla step hota hai initiation, jisme free radical pehli bar banega. To OHNO2 liya, high temperature pe free radical banta hai. O and N ki electronegativity close close, to ek ek electron inhone share kar liya. Wapas le liya.
ये एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल होमोलिसिस हुआ, बराबर से बॉन्ड टूटा, फिर ये OH डॉट को ए मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए रे बाबा, आया सी एच थ्री एच के पास, इसे कहा इलेक्ट्रॉन दे दे रे, इसने एच डॉट के फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एच टू ओ सी एच थ्री डॉट बन गया। सी एच थ्री डॉट को क्या चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वापस बॉन्ड बनाना है, बचा कौन एनओ टू, इसने एनओ टू से कहा चलो बॉन्ड बनाते हैं, चलो बॉन्ड बनाए, चलो बॉन्ड बनाए, चलो बॉन्ड, तो बॉन्ड बन गया। फिर मैंने कहा तीनों रिएक्शन को ऐड करके देखो, तो ऊपर रिएक्शन आ रही, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा एल एच एस आर एच एस में, ये इससे कैंसिल एच आर एच एस, ये इससे कैंसिल एच, भाई सामने सामने आ रहा ना कैंसिल, फिर ऐड कर दो भाई, ऐड करोगे तो इधर वाली चीज़ें इधर वाली से कैंसिल होंगी कि नहीं, तो देखो एल एच एस में एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, आर एच एस में एक ये बच रहा है, ये बच रहा है, ऊपर देखो सेम चीज़ है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। मैं फिर से बोल दूँ इसका मैकेनिज्म बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड अभी तक नहीं है, इसलिए किसी किताब में इसका बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म डिटेल में नहीं बताता, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मिटा रहे, अच्छा मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी है वो लैब से उठाया हुआ एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और ये बना तो हमने लिख दिया, ठीक है कि ये बना, बनो तेरा स्वीगर टाड़ा टाड़ा सर, बनो तेरा स्वीगर टाड़ा टाड़ा। अच्छा देखो अगला, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन देने जा रहे हैं नेक्स्ट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री आई हाई 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 प्लस नाइट्रिक एसिड, ऐसे लिख लें ओ एच एन ओ टू 450 डिग्री सेल्सियस पे वेपर फेस पे, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। तो अब यार बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ से एक एच ओ एच के साथ निकाल दो, क्या निकला एच टू, यहाँ से लिख दूँ एरो के ऊपर माइनस एच टू, ठीक है ऐसे लिख दें, यहाँ से एक एच एक ओ एच के साथ निकाल दिया एच टू, अब यहाँ क्या बचेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू डॉट, भाई एच डॉट निकल के देखो पहले ये टूटेगा मैकेनिज्म अगर याद करो, तो ओ एच डॉट फिर जाएगा इससे एच डॉट चुराएगा एच टू ओ, फिर यहाँ पे डॉट लगेगा एन ओ टू के डॉट से जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन ओ टू, हटाएगा मैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन ओ टू, ये बनेगा ठीक है, नाइट्रो प्रोपेन वन नाइट्रो प्रोपेन, पर जब देखा गया तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये नहीं, ये था सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री एन ओ टू, हमने देखा ये मेजर प्रोडक्ट है ना कि वो, कई लोग समझ गए होंगे कहानी क्या हुई है। देखो जब ये यहाँ से बनेगा ओ एच डॉट और सेकेंड स्टेप में इसके पास आएगा प्रोपोगेशन स्टेप में, यार मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब आप रिएक्शन मैकेनिज्म में और पिछले लेक्चर में हैलोजनेशन पढ़ चुके हो, जब ये ओ एच डॉट इसके पास आएगा कि हमको हाइड्रोजन दे दो, तो इसके पास हाइड्रोजन देने के दो ऑप्शन हैं, कौन आया इससे हाइड्रोजन लेने ओ एच डॉट, तो इसके पास हाइड्रोजन देने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन दे दूसरा यहाँ से दे, ये वाला ये वाला तो सेम ही है, देखो दो टाइप के हाइड्रोजन है, कितने टाइप के ये देखा करो, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, एक तो ये वाला वन डिग्री, ये वाला भी सेम है वन डिग्री भी है और सिमिलर भी है वन डिग्री, और एक ये है टू डिग्री, तो या तो OH वन डिग्री हाइड्रोजन लेके जाए तब यहां पे डॉट बनेगा और NO2 आके यहां से जुड़ेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ये किससे बना होगा, ये वाला प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट बना होगा जब वन डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा, मतलब CH2 डॉट बना होगा ना, जब ये डॉट इससे जुड़ा होगा वन डिग्री फ्री रेडिकल, और ये कब बना होगा जब यहां से H डॉट निकला हो, यानी फ्री रेडिकल भी टू डिग्री बना हो, टू डिग्री इससे ये जुड़ा। अब बात आती है स्टेबिलिटी की कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो ये तो दुनिया को पता है कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो भाई साहब देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी किसकी चाहता है। देखो ओ एच डॉट आया एच डॉट या तो यहां से निकाले, यहां से निकालेगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा सी एच टू डॉट, और यहां से निकालेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा सी एच डॉट, है ना बीच वाला, एंड टू डिग्री इज मोर स्टेबल, तो ठीक है ये मेजर प्रोडक्ट है एंड दैट इज माइनर। अच्छा इसका परसेंटेज हमने देखा 40%, कितना 40%, और इसका परसेंटेज हमने देखा 25%, कितना 25, 40 और 25। हाय राम ये तो 100 नहीं हुआ, 40-25 मिला के 100 कहां हुआ, तो बचा हुआ कहां गया, अब आएगी आगे की कहानी। देखा गया देखो मिथेन में तो एक ही कार्बन था, मिथेन में तो एक ही कार्बन था, ये तो प्रोपेन इसमें तीन कार्बन है। देखा गया जब आप हायर एल्केन्स ले रहे हो, इसको मिटा दूं मैं, देखा गया जब आप हायर एल्केन्स ले रहे हो, जब आप हायर एल्केन्स ले रहे हो
तो नाइट्रेशन के वक्त, तो एट हाई टेम्परेचर नाइट्रेशन के वक्त हमने देखा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी रप्चर हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट रहा है। मतलब हो सकता हो बॉन्ड यहां से टूट जाए। ध्यान से, CH3 CH2 CH3, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटा ऐसे ऐसे डॉट डॉट, मतलब एक ये भी फ्री रेडिकल बनेगा CH3 CH2 डॉट, और एक ये भी CH3 डॉट। जरूरी नहीं कि H डॉट ही बाहर निकले, हो सकता हो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जरूरी नहीं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, सकता हो ये बॉन्ड ब्रेक हो। अगर ये ब्रेक होगा तो बच्चों एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2 NO2, और एक ये बन जाएगा CH3 NO2। बोले सही, ये डॉट जाके NO2 डॉट से जुड़ गया, ये डॉट जाके। और ऐसा देखा भी गया, हमने देखा कि 10% हमको नाइट्रो इथेन और 25% नाइट्रो मिथेन भी मिल रहा है जब प्रोपेन का हमने वेपर फेस में नाइट्रेशन किया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? तो कई बातें ध्यान में रखनी है। एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन से भी बनाओगे, 2 डिग्री से भी बनाओगे, जितने तरह के हाइड्रोजन है उनसे बनाओ, उसमें ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बाकी रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होगा, रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी टूट सकती है, तो वो टूटी तो एक CH3 डॉट बना, एक CH3 CH2 डॉट बना, इनसे भी नाइट्रो एल्के। इसीलिए मैंने बोला इनका मैकेनिज्म आगे जाके कॉम्प्लेक्स होता गया। अभी और लंबी चेन लेंगे तो और प्रोडक्ट बन जाएंगे। नोट करें, क्लियर है? तो ये है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो, मिटा रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर आपको कुछ कुछ ये बात समझ में आई है तो आप जरा ये बताओ कि यहां से आप कितने तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो। CH3 CH2 CH2 CH3, एन ब्यूटेन ले लिया मैंने, पहला प्यार तेरा मेरा सोनिए पहली मुलाकात है। हाँ चलो बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो, इसके पास हाइड्रोजन कितने तरह के हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये दोनों तो इसके कॉपी है ना, मतलब ये वाला इसका कॉपी, वाला इसका कॉपी, तो एक 1 डिग्री से बना दो CH3 CH2 CH2 CH2, और लास्ट वाले पे लगा दिया NO2। और क्या बन सकता है 2 डिग्री से, CH3 CH2 CH NO2 CH3। बोलो सही है, एक बार यहां से H डॉट निकाला, एक बार यहां से H डॉट निकाला, NO2 लगा दिया। और क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, तो हो सकता है ये बीच से टूटे, बीच से टूटेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 NO2, और हो सकता हो यहां से टूटे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इस जगह से टूटे तो एक बनेगा CH3 NO2, और एक बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2। बोलो फील हो रही है बात? हो सकता हो यहां से टूटे भाई साहब, यहां से टूटा तो CH3 NO2, और एक CH3 CH2, मतलब प्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन। और बच्चों अगर नाइट्रो प्रोपेन बना है तो ये भी बनेगा CH3 CH CH3 NO2। भाई अगर ये बना है तो ये भी तो बनेगा, इसके 1 डिग्री पे लगाया तो इसके 2 डिग्री पे, तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। तो जैसे जैसे आप हायर एल्केन्स में जाओगे वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखते जाएंगे और रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जैसे जैसे आप हायर एल्केन में जाओगे वैसे वैसे आपको मिलेंगे मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे लोअर नाइट्रो एल्केन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हायर एल्केन में? लोअर नाइट्रो एल्केन्स। तो नोट करें इतना, ठीक है? तो नाइट्रो एल्केन में इतनी ही कहानी थी, इससे ज्यादा नाइट्रो एल्केन में कुछ नहीं पूछता, ठीक है? क्लियर है? इससे ज्यादा यहां से आपको कुछ नहीं आने वाला, क्लियर हो गया? इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा, लिख लो, इन केस ऑफ नियो ग्रुप लिख लो, फिर कराते हैं। इन केस ऑफ नियो ग्रुप कंसेंट्रेटेड HNO3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात समझ लो, कंसेंट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन केस ऑफ नियो ग्रुप दिस एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस नियो एल्केन टू
कार्बोक्सिलिक एसिड इन केस ऑफ नियो ग्रुप, मिटाने इसको। ये सब क्लियर हो गया? पहले तो देख लो कितनी तरह के हाइड्रोजन है, उनको निकाल के नाइट्रोइल केन बनाओ। डिग्री नहीं, कितने तरह के, अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करो कार्बन का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ नियो ग्रुप, देखो जैसे नियो पेंटेन ले लिया, नियो पेंटेन सब पहचानते हैं ना आप, तो यहाँ कोई एकदम गधेला तो नहीं आ गया। नियो पेंटेन ये होता है, तो नियो ग्रुप अगर मिलता है और उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हो, वही 450 डिग्री सेल्सियस, 400 500 कुछ भी लिखो पेपर में, पेपर फेस, तो देखा गया कि नाइट्रोएल्केन नहीं बनता, नाइट्रोएल्केन नहीं बनता। अब ये एक्सपेरिमेंटल है, देखा गया ऐसा नहीं होता, तो क्या होता है इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग। एल्केन से बनता है अल्कोहल, जब ऑक्सीडाइज करोगे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कम ऑन मेरे साथ बोलो, एल्केन को ऑक्सीडाइज तो अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज तो कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि सीधा एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो सब है ही नहीं कि बीच में अल्कोहल बने एल्डिहाइड, पहले एल्केन को ऑक्सीडाइज करो तो अल्कोहल, फिर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसको ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिल, ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ एंड प्रोडक्ट जो देखा गया एक्सपेरिमेंटली वो है CH3COH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। तो ये चीज आपको एक याद रखनी होगी, तारा बना के कॉपी में लिखें, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाए आसमान सारा, जगमग तारे सौ तारे नौ तारे, जगमग तारे हर तारा है शरारा। नोट कर लिया, नियो ग्रुप में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, मिटा दें, यहां पे आपका नाइट्रेशन खत्म होता है। ये तारा वो तारा हर तारा, पिछला गीत आपने सुना, गाने के संगीत दिए थे, आवाज दी थी उदित नारायण ने, और फिल्म का नाम था स्वदेश। तो वापस आते हैं, अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन कहानी खत्म, सल्फोनेशन छोटा सा है। अब इसके बाद सब छोटे छोटे सल्फोनेशन, पायरोलिसिस, सब छोटे छोटे। सल्फोनेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास अल्केन है और अल्केन का रिएक्शन हम करा दें H2SO4 फ्यूमिंग से, फ्यूमिंग मतलब इसमें से फ्यूम्स निकल रहे हो, तो फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4। अब ये फ्यूमिंग हो गया भाई, इसके फ्यूम्स दिखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के, तो इसी को हम फ्यूमिंग H2SO4 लिखते हैं। कई बार किताब में कई बार ये लिखा होगा, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो शायद आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा, ये क्या होता है ओलियम, ओलियम से ही सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में चीज़ें पढ़ते हैं। तो हो सकता हो एरो के ऊपर सीधा ओलियम लिख दे, हो सकता हो ये लिखे, हो सकता हो फ्यूमिंग H2SO4, जो भी लिखे, यहां पे बनता है एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या ये रूम टेम्परेचर पे बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल्केन इतने रिएक्टिव नहीं होते कि रूम टेम्परेचर पे ये सब रिएक्शन करें, इनका कोई मर्जी नहीं है। तो ये भी होगा एट हाई टेम्परेचर, तो किताबों में इसका टेम्परेचर भी 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास देता है। सो एट हाई टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल ऑल्सो अकर, क्या बनेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड, क्या बनेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। जरा देखते हैं होता क्या। मान लो मेरे पास एल्केन है RH, फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब SO3+H2SO4, इसको हम ओलियम भी बोल सकते हैं, H2S2O7 which is ओलियम। अच्छा, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एल्केन है RH और इसका रिएक्शन करा दिया H2SO4 फ्यूमिंग से, तो H2SO4 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से, OHSO3H, जैसे नाइट्रिक एसिड लिखा था वैसे ही, OH को अलग कर लिया, OH को हटा लो, क्या बचेगा SO3H, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ से निकला H2O, टेम्परेचर 450 डाल दो, क्या निकला H2O प्लस RSO3H, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन
सल्फोनिक एसिड, आपको याद हो जब आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे थे तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, एल्केन सल्फोनिक एसिड, आर एच दस दिस गिस एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हो सकता हो एरो के ऊपर एसओ थ्री वगैरह तब भी यही चीज होगी, ठीक है एल्केन। अच्छा इसमें एक खास बात यह है, फिर से तारा बनाएंगे, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारे वो तारे हर तारा, कि लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर मतलब मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया वगैरह वगैरह, डैश डैश, डू नॉट शो दिस रिएक्शन, लोअर मेंबर ये रिएक्शन नहीं दिखाते, दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय एल्केन्स विथ सिक्स और मोर कार्बन, बेसिकली ओनली बाय शोन ओनली बाय एन एल्केन्स, एन मतलब समझते हो ना, नॉर्मल मतलब लीनियर वाले जिसमें स्ट्रेट चेन हो, तो उसमें कम से कम छह या छह से ज्यादा कार्बन, मतलब एन हेक्सेन हो सीधा सीधा, एन हेप्टेन हो तभी सल्फोनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज सल्फोनेशन पॉसिबल नहीं, अदरवाइज सल्फोनेशन पॉसिबल, मैकेनिज्म वही फ्री रेडिकल है अभी दिखा देंगे छोटा सा करके, अदरवाइज सल्फोनेशन पॉसिबल नहीं, तो नोट कर लें इसमें से जो भी अच्छा लगे आपको, ठीक है। ये है सल्फोनेशन, आर एच लिया, एच टू एसओ फोर को मैंने इस तरह से लिख लिया, ओ एच और एसओ थ्री एच, नॉट शोन बाई द लोअर मेंबर्स, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, एक एक्सेप्शन भी है वो अभी बताएंगे लास्ट में, एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, लोअर मेंबर्स में आइसोब्यूटेन शो कर देता है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, आइसोब्यूटेन ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन याद है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये शो कर देता है रिएक्शन, ये शो करता है और ये, बाकी कोई लोअर मेंबर शो नहीं करता, आइसोब्यूटेन शो करता है, ठीक है, आइसोब्यूटेन याद आ गया, टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा रहे हैं, ओके। तो कम से कम छह कार्बन की लीनियर चेन हो या छह कार्बन से भी ज्यादा की लीनियर चेन हो तब आप सल्फोनेशन की उम्मीद रखेंगे, अदरवाइज सल्फोनेशन नहीं होगा लोअर मेंबर्स में, एक्सेप्शन आइसोब्यूटेन बता दिया। जैसे मान लो हम छह कार्बन का एन हेक्सेन उठा लेते हैं, एन हेक्सेन किताबों में भी यही दिया रहता है, एन हेक्सेन का, एन हेक्सेन कैसे बना लें, वैसे बना लें, टिंग 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 टिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, एन हेक्सेन, और एरो के ऊपर लगा लो एच ओ एस ओ थ्री एच, लिख सकते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन OH के साथ निकल गया माइनस एच टू, यहां से हाइड्रोजन लगा होगा, देखो एंड पे लिख लो सी एच थ्री, ठीक है, यहां से एच OH के साथ निकल गया, इसके साथ एच टू ओ बचा क्या, टिंग 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 टिंग, कार्बन तो लगा ही जाएगा सी एच टू और इससे लग जाएगा एसओ थ्री एच, क्या बन गया ये, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या एन हेक्सेन सल्फोनिक एसिड जैसे लिखना चाहो, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, यस, इसमें भी और प्रोडक्ट्स बनेंगे बिल्कुल, आपने वन डिग्री वाला हाइड्रोजन निकाला, हो सकता हो टू डिग्री से निकले, हो सकता हो ये वाले से निकले, ये भी टू डिग्री है पर इससे डिफरेंट है, तो उससे भी बना सकते हो, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ वन डिग्री से भी बनेगा टू डिग्री से बनेगा, मतलब जितने टाइप के हाइड्रोजन हो सेम कहानी, ठीक है, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, बना लेना आप भाई, अब कहानी सेम है ना, आप समझ रहे हो ना, हो सकता है यहाँ से एच डॉट निकले तो एसओ थ्री एच यहाँ लगे, हो सकता है यहाँ से निकले तो यहाँ लगे, फिर ये तो इसका कॉपी है, फिर तो मतलब उसके बाद तो चीज़ सेम हो गई ना, ठीक है ना, वन पे हो सकता है सल्फोनिक एसिड, हो सकता हो टू पे हो सकता हो थ्री पे हो, इधर चलोगे तो फिर ये टू थ्री सेम है, हेप्टेन भी हो सकता है एन हेप्टेन, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, लास्ट में सी एच थ्री लिख लिया, बाकी भी सब सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू है, सी एच टू सी एच टू सी एच टू, इसका रिएक्शन सेम उसी रिएजेंट से करा दिया है ना, या तो मान लो ये लिखा हो इस के ऊपर एस ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर, सेम है फ्यूमिंग नाइट्रिक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे फ्यूमिंग लिखा होगा, ठीक है ना, 450 डिग्री सेल्सियस, यही सब कहानी लिखी रहती है। अच्छा क्या होगा, यहाँ से एच डॉट यहाँ ओ एच के साथ निकल गया,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात, और यहाँ सी एच टू, यहाँ लगा दो एसओ थ्री एच, क्या बन गया एन हेप्टेन सल्फोनिक एसिड, एन हेप्टेन सल्फोनिक एसिड। यस आई एग्री, इसमें बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, मतलब और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, यहाँ से भी लग सकता है, यहाँ से भी लग सकता है, मेजर देख लेना कि जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी वो मेजर बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म की इसकी बात कर लें तो मैकेनिज्म ये भी फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें भी इनिशिएशन, इनिशिएशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो आप उठा लो इसको, मैंने ऐसे लिख लिया ओ एच एस ओ थ्री एच, टेम्परेचर 450, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, एक सल्फर पे, तो ओ एच डॉट और एस ओ थ्री एच डॉट, फिर ओ एच डॉट किसके पास जाएगा, एल्केन के पास जाएगा, तो एल्केन को मैं ये पूरे हेक्सेन को ऐसे लिख लूँ, ये हेक्सेन का एग्जांपल ले लेते हैं, हेक्सेन कितना होगा सी सिक्स एच फोर्टीन होगा, है ना, सी सिक्स एच फोर्टीन, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सी सिक्स एच थर्टीन और एक एच ऐसे, अब ये एच कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, ठीक है। प्लस इससे आया ओ एच कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने कहा ठीक है हम भी फ्री रेडिकल को बनने दो, यहाँ से एच डॉट इससे जुड़ा, बना एच टू ओ, और क्या बचा सी सिक्स एच थर्टीन डॉट, अब सी सिक्स एच थर्टीन डॉट किससे जुड़ेगा एस ओ थ्री एच डॉट से, बन जाएगा सी सिक्स एच थर्टीन एस ओ थ्री एच, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, पर यहाँ पे एन नहीं बोल रहे, अब पता नहीं कौन सा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बने, हो सकता हो टू हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, हो सकता हो यहाँ पे लगे, हो सकता हो थ्री हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ये कोई भी एच हो सकता है। मैकेनिज्म समझ में आ गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, सल्फोनेशन में हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि रप्चर ऑफ बॉन्ड नहीं होता, सल्फोनेशन में देर इज नो रप्चर ऑफ बॉन्ड। अच्छा यहां पे आपसे पूछे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो यहां पे भी कहानी सेम है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है, तो भाई साहब जो फ्री रेडिकल बनेगा एल्काइल का उसकी स्टेबिलिटी वही रहेगी, तो यहां पे प्रोडक्ट का ऑर्डर वही रहेगा, क्या 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, इतनी ही बातें सल्फोनेशन से है, क्लियर है। आइसोब्यूटेन का जैसे कहानी था कि एक आइसोब्यूटेन दिखा देता है लोअर मेंबर में, तो आइसोब्यूटेन यही बता देते हैं, क्या डिटेल में जाए कहाँ बताएं, यहाँ देख लो दिख रहा है, नोट करो, अच्छा फिर बताते हैं बहुत भर गया ना बोर्ड, उसमें ना 3 डिग्री वाले कार्बन पे अटैक होता है, बस यही बताना था, नोट कर लें। सल्फोनेशन में इतनी ही बात है जो पेपर में आपसे पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो, जल्दी आता नहीं है सब, एल्केन का सल्फोनेशन नहीं पूछता, बेंजीन का पूछता है आपसे, ठीक है। हाय राम, हो गया ये नोट कर, यार ये सब पढ़ लिया ना पिछले लेक्चर में, इसलिए तेजी से चला रहे हैं, टूटा ये टूटा, ओएच डॉट गया इसके पास, एच डॉट को लेके बाहर हुआ, ये सी सी के 13 डॉट बना, सी एच 13 और से रिएक्ट किया एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा हाँ मैं क्या बता रहा था कि मान लो आइसोब्यूटेन की बात कर लेते, आइसोब्यूटेन CH3CH, इसका तुम सल्फोनेशन जब करोगे H2SO4 फ्यूमिंग, तो कौन सा ग्रुप लगेगा SO3H, कौन सा ग्रुप SO3H, तो SO3H इसमें से किस कार्बन पर अटैक करना चाहेगा, देखो ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकल रहा है, 1 डिग्री निकल रहा है, 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो आपको पता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, डेटा के साथ साथ बातें भी हैं कि यहाँ से एच डॉट बाहर निकल जाएगा, भाई एच डॉट को कौन बाहर लेके जाएगा बोलो भाई, ओ एच लेके जाएगा और इससे लग जाएगा एसओ थ्री एच, तो ये फाइनल प्रोडक्ट देखा गया इसमें। तो ये था नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन के खत्म होते हैं, एल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने पढ़ा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, इसको पॉज करके नोट कर लो, कर लिया। अच्छा
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइरोलिसिस। हेडिंग लगाएं पाइरोलिसिस। पाइरोलाइसिस क्या होता है? पाइरो मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक होना। तो जब कोई केमिकल कंपाउंड हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करे छोटे छोटे कंपाउंड में तो उसको हम बोलते हैं पाइरोलाइसिस। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम जो किताबों में दिया होता है वो होता है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है, इसको पाइरोलिसिस, हीट के प्रेजेंस में टूटना, या थर्मल डीकंपोजिशन भी बोल सकते हैं। कई बार 11th क्लास के एक पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज पाइरोलिसिस ऑफ एल्केन। सो एट हाई टेम्परेचर एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट ब्रेक्स डाउन टू लोअर एल्केन एल्कीन। ठीक है, एंड और दोनों है, लोअर एल्केन और एल्कीन एंड एल्कीन, मतलब सब बन सकता है, टूट टूट के अभी दिखाएंगे। ठीक है, इन एट हायर टेम्परेचर ऐसे लिख लो हायर एल्केन्स। ठीक है, हायर एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हायर एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट ब्रेक डाउन टू लोअर एल्केन एल्कीन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाइरोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाइरोलाइसिस। अब पाइरोलाइसिस का टेम्परेचर जो किताबों में दिया रहता है करीब करीब 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कई किताब में ये भी 400 दे रखा है। ठीक है, कैटलिस्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब पाइरोलाइसिस मतलब कि बड़े एल्केन का छोटे एल्केन या एल्कीन में टूटना। ठीक है, टूटना हीट के प्रेजेंस में टूटना, तो हीट के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना। तो देखो एल्केन के अंदर दो तरह का बॉन्ड है, एक है कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तब टूटेगा जब आपको कोई कैटलिस्ट में ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम हो, जिंक हो या सिलिका हो, तब आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ देना और छोटे छोटे एल्केन बनाना। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तब टूटेगा जब आपको कैटलिस्ट में ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेंडेनियम या मॉलीबेडनम दिखे। इनकी ऑक्साइड्स अगर दिखती हैं और दोनों में हाई टेम्परेचर तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रप्चर होगा, अदरवाइज कार्बन कार्बन का। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हाई टेम्परेचर पे टूटना। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये कैटलिस्ट स्पेसिफिक है। क्या है? कैटलिस्ट स्पेसिफिक, यानी कैटलिस्ट डिसाइड करेगा, कैटलिस्ट स्पेसिफिक। नोट कर लें, फिर इसके एग्जांपल कराएं आपको। नोट कर लिया, एल्युमिनियम जिंक सिलिका इनकी आपको कैटलिस्ट दिखते हैं तो आप कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो, और क्रोमियम वेंडेनियम मैग्नीशियम पे दिखते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, हायर एल्केन से लोअर एल्केन और एल्कीन भी बन सकता है। आइए एग्जांपल देखेंगे तभी क्लियर होगा। एक हायर एल्केन उठा लेते हैं हम, काफी हायर उठाते हैं हम, सीधा चार कार्बन का उठाते हैं, ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं कहानी, फिर आप प्रोपेन का खुद से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कहाँ लिखे, चलिए लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, सबसे पहले मैंने हमने यहां लिख दिया Al2O3। अब अगर ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम दिखती है, जिंक दिखती है, सिलिका दिखती है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, तो आप कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ लो। माना जाता है ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन नहीं बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल बनेंगे, जरूरी थोड़ी ना फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तो हमने देखा कि फ्री रेडिकल के हिसाब से ये वाला मान लो बॉन्ड टूट गया, या ये वाला जो बॉन्ड आपको तोड़ना हो तोड़ लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है कोई भी तोड़ लो, मान लो ये वाला तोड़ दिया हमने, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो जो स्पेशी बनेगी ध्यान से वो बनेगी, देखो
CH3 CH2 CH2 डॉट और बनेगा CH3 डॉट। बोलो हाँ या ना। ये बॉन्ड तोड़ा, टीयू ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन ठीक। अच्छा अभी दोनों स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा कि यहां से एक H डॉट निकलकर इस पे गया, इस कार्बन का एक H डॉट निकलकर इस पे गया, क्या बनेगा देखो ध्यान से, CH3 CH डॉट CH2 डॉट और ये H डॉट जाके इससे कंबाइन किया CH4। समझ में आ रही है कुछ बात भाई? CH2 को आप ऐसे भी तो देख सकते हो CHH, तो यहां से ऐसे ये ब्रेक हो गया, एक H डॉट बाहर निकल गया। ध्यान से इस कार्बन को आप ऐसे देख सकते हो CHH, तो ये वाला बॉन्ड होमोलिसिस से टूट गया, ये H डॉट और ये C डॉट, तो इस पे डॉट लग गया CH डॉट। ठीक है, ऐसे लिख लूं मैं, एक H को नीचे बना लेता हूं, एक H डॉट निकला और निकल के यहां गया CH4, इस पे डॉट लग गया। अब ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना लिए, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। देखो एल्कीन बना लोअर, ब्यूटेन था ना लोअर एल्कीन, प्रोपीन और लोअर एल्कीन, तो प्रोडक्ट हो सकता है CH4 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा मान लो यहाँ सिलिका लगा दिया, एल्युमिनियम लगा दिया, इनके कैटलिस्ट फिर से लगा दिए, ठीक है, फिर हाई टेम्परेचर, मान लो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिर से रप्चर हुआ, कार्बन कार्बन तोड़ा, यहाँ मान लो कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड रप्चर हम देखें, हो सकता हो ये वाला बॉन्ड टूटे, ये मिटा दे, नहीं समझ में आया अगले वाले में समझ में आ जाएगा। मान लो ये बॉन्ड टूटा बीच वाला, तो बनेगा CH3 CH2 डॉट और CH2 CH3 डॉट, बोलो सही है। इस कार्बन से एक H डॉट निकलकर यहां चला गया, इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2H, ये बॉन्ड होमोलिसिस से टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा CH2 डॉट, इस कार्बन देखो ऐसे लिख सकते हैं CH2H CH2 डॉट CH2 डॉट और एक H डॉट निकल के इस पे लग गया, तो CH3 CH3 लोअर एल्केन, ब्यूटेन से इथेन, और ये डॉट डॉट जुड़ जाएंगे, लोअर एल्कीन इथीन भी बन गया, सो इथीन एंड इथेन। कन्वर्जन में इन सब रिएक्शन को कभी यूज मत करना, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होगा किस टेम्परेचर पे किसी को नहीं पता, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं किसी की यील्ड बहुत अच्छी नहीं, तो कभी ये नहीं कि कन्वर्जन करने को कहा कि ब्यूटेन से इथीन बनाओ तो आपने ये कर दिया, मत करना, ठीक है, उसके लिए अदर केमिकल प्रोसेस यूज करो जो स्पेसिफिक हो। अच्छा अब मान लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, ठीक है, मान लो कैटलिस्ट क्रोमियम का दे दिया Cr2O3, टेम्परेचर सब में हाई है, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रप्चर जरा देखते हैं आप। मान लो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी, ये मिटा दें, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी माना गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही टूट रहा है ना, ये वाला समझ में आया, पहले यहां से बॉन्ड टूटा, इसका डॉट फिर यहां से एक H डॉट ले आके इस पे लगा, तो इस पे डॉट बॉन्ड बन गया वो, फिर ने कहा यहां से टूटा इस पे डॉट, फिर यहां से एक H डॉट निकल गया तो इस पे भी डॉट आ गया, इस पे डॉट बॉन्ड, ऐसी। अब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो मान लो एक H डॉट यहां से निकला, एक H डॉट यहां से निकला, समझो CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा, ये मान लो यहाँ से एक H डॉट निकल गया और एक यहाँ से, तो CH डॉट और CH2 डॉट, H डॉट बाहर निकल के क्या बन गया H2, नहीं है, एक H डॉट यहाँ से निकला, एक H डॉट यहाँ से निकला, क्या बन गया H2, और ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और देखो अब यहां लोअर थोड़ी ना बनेगा, सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा तो नंबर ऑफ कार्बन तो कम होंगे नहीं, ठीक है, तो क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, एक यहां से निकाला H2, H डॉट निकाला CH2 डॉट, H डॉट निकाला CH डॉट, डॉट डॉट में बॉन्ड बना लिया। हो सकता तो यही हाइड्रोजन हम यहां से निकालें इससे और इससे, तब क्या हो जाएगा CH3 CH डॉट CH डॉट CH3 H डॉट H डॉट मिलके हाइड्रोजन बन गया, और आप समझ गए हो वहां पे डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पायरोलिसिस।
कुछ क्लियर हुआ? पायरोलिसिस हाई टेम्परेचर पे रप्चर ऑफ सी सी बॉन्ड या रप्चर ऑफ सी एच बॉन्ड टू ऑब्टेन लोअर एल्केन एज वेल एज एल्कीन। क्लियर है? चलिए इसका आप करके बताइए। पायरोलिसिस सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़िए और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़िए। इसका दिखाई पड़ रहा है? ट्राई करिए, देखो जरा कैमरे में दिखाई पड़ रहा है? पांच सौ बहुत छोटा दिखा है मैंने, थोड़ा सा दिख रहा है सर, छोटू सा। वीडियो क्वालिटी अच्छी रखिएगा आप एडिटिंग में, आजकल तो जो घटिया क्वालिटी आ रही है एडिटिंग में। कैमरा चेंज हुआ है आज, होपफुली मेरा कैमरा रिपेयर हो जाएगा तो मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। चलो सी सी बॉन्ड तोड़ो, सी एच बॉन्ड तोड़ो, बताओ क्या होगा? बताओ, देखो सी सी बॉन्ड तोड़ेंगे तो सी एच थ्री डॉट सी एच थ्री सी एच टू डॉट पे यहाँ से एक एच डॉट इस पर लग जाएगा तो सी एच फोर प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। समझ में आया? यहाँ से तोड़ोगे एक डॉट इस पर एक डॉट इस पर, फिर यहाँ से एच डॉट निकल के गया सी एच फोर बन जाएगा, जब एच डॉट निकलेगा इस पर डॉट आ जाएगा, इस पर पहले से डॉट था डबल बॉन्ड। और किस तरह से सी सी तोड़ सकते हैं? एक ही तरीका, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो भी सही, यहाँ से तोड़ा सी एच थ्री डॉट इस पर डॉट, फिर यहाँ से एच डॉट निकल के इस पर गया तो इस पर भी डॉट आ गया, डॉट डॉट बॉन्ड बना लिया। दूसरा तरीका है कि हाइड्रोजन निकाल लो, एक एच डॉट यहाँ से एक एच डॉट यहाँ से एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और कोई तरीका एच निकालने का? यहाँ यहाँ से निकालो सेम चीज़ होगी। क्लियर है? तो ये है हमारा पायरोलाइसिस, मिटा दें, यहाँ पे हमारा पायरोलाइसिस समाप्त होता है, मिटा रहे। चलिए तो हमने पढ़ लिया नाइट्रेशन, हमने पढ़ लिया सल्फोनेशन, हमने पढ़ लिया पायरोलाइसिस। आज के नोट्स बनाना, याद करने वाली चीज़ें बहुत है आज, ठीक है? तो अच्छे से नोट्स बनाना और कैटलिस्ट को अच्छे से लिख लेना, टेम्परेचर वगैरह को थोड़ा बहुत देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन अगला रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन। व्हाट इज एरोमेटाइजेशन? एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, एरोमेटाइजेशन हो गया भाई, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते हैं कौन से होते हैं ना, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली देखा गया कि एल्केन्स विथ 6 to 10 carbon in the presence of Cr2O3 over Al2O3 at high temperature, देखो कैटलिस्ट ले लिया है, high temperature करीब करीब 600 degree Celsius and high pressure करीब करीब 15 atm gives benzene or alkyl benzene, अब benzene हो या alkyl benzene हो ये सब कैसे कंपाउंड हैं? aromatic कंपाउंड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं aromatization। नोट करें, मैं मार्कर को इंक पिला दूं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। कंडीशन क्या है? कम से कम 6 carbon तो हो और ज्यादा से ज्यादा 10 carbon हो। 6 से 10 carbon अगर दिए हैं और कैटलिस्ट मेंशन्ड है, टेम्परेचर मेंशन्ड है, प्रेशर मेंशन्ड है, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी कहानी होगी कि एलिफैटिक एल्केन्स, एलिफैटिक एल्केन्स, कौन से एल्केन्स? एलिफैटिक एल्केन्स, साइक्लिक नहीं, एलिफैटिक एल्केन्स कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजीन या एल्काइल बेंजीन में। नोट कर ले, नोट कर लिया, मिटा रहे, नोट कर ले, पॉज करके मिटाने जा रहे। ओके, तो 6 से 10 carbon, तो सबसे पहले 6 carbon उठाएं, साइक्लिक नहीं एलिफैटिक, साइक्लिक नहीं एलिफैटिक। देखो एलिफैटिक मैं उठाता हूँ, मान लो, देखो मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें थोड़ा बनाने की भी कहानी है। जैसे 6 carbon का एल्केन, सबसे पहले 6 carbon, 6 carbon मतलब होता है हेक्सेन, है ना, हेक्सेन, ठीक है? तो हेक्सेन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H14। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जानबूझ के थोड़ी ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं हम, ठीक है? मान लो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है तो स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, CH3 CH2 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 CH2
H2। देखो एन हेक्सेन हो गया, ये तो स्ट्रेट ही ना यार, एक दो तीन चार पाँच छः बनाने का तरीका है। मान लो एरो के ऊपर हम लिख दें Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, टेम्परेचर लिख दें 600 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर लिख दें 15 एटी। देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। एक एच, एक एच यहां से निकला, दो एच निकले, एक एच, एक एच यहां से निकला H2, इस पे डॉट, इस पे डॉट, एच डॉट निकला, इस पे डॉट, इस पे डॉट, तो भाई साहब बॉन्ड बन जाएगा। बोलो ऐसा होगा, एच डॉट निकला, सी एच टू डॉट बॉन्ड बन गया, एक एच टू निकला। फिर क्या हुआ, एक एच यहां से, 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 सब पे डॉट 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 बन गया। समझो यहां से एक एच, यहां से एक एच, यहां से एक एच, यहां से एक एच, और ये सी एच टू बचे हैं, एच डॉट निकल गया, सी एच टू, एक एच यहां से, एक यहां से, सब जगह से एच 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 निकला। टोटल कितने एच निकले, 6H डॉट, 1 2 3 4 5, 6H डॉट मतलब 3 H2, एच डॉट एच डॉट एच टू, एच डॉट एच डॉट एच टू, एच डॉट एच डॉट एच टू। अच्छा जब यहाँ से एच डॉट प्यारे बच्चों निकल जाएगा, यहाँ से एच डॉट निकला, इस पे डॉट, एच डॉट निकला, इस पे डॉट, सब पे डॉट डॉट, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एच एच निकला, एच एच यहाँ से निकला, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ से एच एच निकला, डबल बॉन्ड कितने क्या। इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं, और एग्जाम में आप देखोगे तो ये एक स्टेप में करना होता है, बीच में आप ये साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाओगे, सीधा बेंजीन। एग्जाम में वन स्टेप होगा, सीधा यहाँ से वहाँ पहुँचोगे आप। मैंने समझाने के लिए बताया कि पहले एच डॉट निकले, जुड़ गया सी एच टू डॉट, सी एच टू डॉट, फिर हर कार्बन से यहाँ से एक एच डॉट डबल बॉन्ड, एच डॉट डबल बॉन्ड, एच डॉट 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 लगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्या लिया था हमने, हेक्सेन लिया था, एन हेक्सेन। ठीक है, मान लो मैं एन हेप्टेन ले लूँ, टोटल कितने हाइड्रोजन निकले यहाँ पे, 4H2 निकले। ठीक है, अगर एक लाइन में इस रिएक्शन को पहले एक बार लिख के देख लो, एक लाइन में लिखोगे C6H14, एरो के ऊपर जो भी है सारी कंडीशंस, यहाँ बनेगा बेंजीन और चार मोल्स H2, भाई बेंजीन का फॉर्मूला C6H12, तो यहाँ से देखो कितने हाइड्रोजन गायब हो गए आपके, C6H6, तो यहाँ से देखो कितने हाइड्रोजन गायब हो गए आपके, चार और चार आठ, तो यहाँ है 8 हाइड्रोजन अपीयर हो गए। ठीक है, मान लो यही चीज़ हम हेप्टेन में करें, ठीक है, हेक्सेन में तो समझ में आया, समझ में आ रहा है, चार एच टू निकलेंगे, एक बार ये वाला निकला, फिर सबसे एक 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 एच निकला, चार एच टू निकल रहे हैं। ठीक है, और ये बन गया बेंजीन। ठीक है ना, अच्छा इसको मिटा दें ऊपर वाले को, ओके। आओ यही कहानी हम हेप्टेन में करते हैं, हेप्टेन में, ठीक है, 6 कार्बन में होगा, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन हेप्टेन। तो बच्चों हेप्टेन का फॉर्मूला हो जाएगा C7H16, है ना, C7H16 को बनाने का मेरा तरीका थोड़ा सा देखें ध्यान से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बोलिए सही है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अगर का, और इसके ऊपर बोलो Al2O3 Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस, 15 एटी। सुनो, पहले एक एच डॉट यहां से निकालो, क्या बना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक एच डॉट यहां से निकला, यहां बॉन्ड बना, फिर वही कहानी, सबसे एच डॉट निकालो पहले, फिर सबसे एच डॉट यानी 3 मोल ऑफ H2, क्या बना, मिथाइल बेंजीन। मैंने कहा था बेंजीन बनेगा या एल्काइल बेंजीन, इसको अगर आपको याद हो तो इसको टॉलीन भी बोलते हैं, तो मिथाइल बेंजीन या टॉलीन। क्लियर है, इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहूँ इस रिएक्शन को भी मैं, तो C7H16 एरो के ऊपर जो अपनी कंडीशंस हैं, कितने H2 निकले, 4H2, और क्या बना, टॉलीन। बोले सही है, क्या बना, टॉलीन, यहाँ पर CH3 होगा ना ऊपर, टॉलीन। नोट कर लें इसको, तो एक और ले लेते हैं जिसमें 8 कार्बन हो, 7 कार्बन समझ में आ गया, 8 कार्बन की बात कर लें, नोट कर लिया। अच्छा 8 कार्बन की बात करें,
आठ कार्बन की बात करें तो मान लो आठ कार्बन है, आठ कार्बन मतलब C8H18, ठीक है। तो देखो CH18 को मैं कैसे बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा सेम कहानी होगी, ला 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 ला, पहले साइक्लिक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, फिर पहले H2 निकला, फिर 3 मोल H2 निकलेंगे और क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन, ठीक है। पर क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो जरूरी नहीं कि इथाइल बेंजीन में, ध्यान से सुनो, इथाइल बेंजीन मतलब CH3CH2, छह कार्बन ये दो ये, तो ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता था। और ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता था, और ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता था, सब बन सकते हैं यहां पे। इथाइल बेंजीन भी बन सकता है, 1,2,3, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन भी बन सकता है, है ना। ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये क्या हो जाएगा 1,4, 1,2,3,4 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल, 1,3 या इथाइल बेंजीन, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, सब बनेंगे स्मॉल क्वांटिटीज में, क्लियर है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे जब आप 8 कार्बन पे आओगे, 9 पे आओगे तो और ज़्यादा भाई, 9 पे 9 कार्बन हो जाएंगे तो 6 से तो बेंजीन बनेगा, तो एक तो हो सकता हो 3 कार्बन की चेन बन जाए, फिर 3 कार्बन लगाने के जितने तरीके हो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर उसके बाद 1 1 1 लगा दो, फिर 1 1 1 लगा दो, इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट आप नौकार, समझ रहे हो, नौकार 6 की तो चेन बनाओ, फिर जितने कार्बन बच रहे हैं उसको लगाओ अगल बगल अगल बगल, जैसे लगा सकते हो 2 लगा दो, है ना, फिर 1 1 लगा दिया, वहाँ 9 में 3 हो जाएंगे तो 3 यहाँ लगा दिया, या 2 लगा के 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये था एरोमेटाइजेशन। कैटलिस्ट याद करना है Al2O3 और Cr2O3, 600 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट। आज का लास्ट रिएक्शन छोटा सा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, आइसोमराइजेशन में एक एल्केन दूसरे एल्केन में चेंज होगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में जो हम यूज करते हैं वो होगा हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 ओवर कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस, ये कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप आइसोमराइजेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, आइसोमराइजेटिंग एजेंट आइसोमराइजेशन कॉज करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, ब्यूटेन ले लिया, CH3CH2CH2CH3, क्या है ये एन ब्यूटेन, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया यही एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने देखा आइसोमराइजेशन हो गया, क्या बन गया आइसो ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन कन्वर्ट्स टू आइसो ब्यूटेन, तो मोर ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। ये ऐसा कैटलिस्ट है कि आइसोमर तो बनाता ही है, एक एल्केन का दूसरा आइसोमर, और ब्रांचिंग को बढ़ा देता है। जैसे मान लो एन पेंटेन ले लें, ये क्या है एन पेंटेन, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, और सेम कैटलिस्ट ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 और कंसीडर HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो एक तो ये बन सकता है, ये क्या हो गया आइसो ब्यूटेन, सॉरी आइसोपेंटेन, और एक ये बन जाएगा, ये क्या हो गया नियोपेंटेन। तो ये करता है एनहाइड्रस AlCl3 कंसीडर HCl के प्रेजेंस में, कुछ खास नहीं है, बस आइसोमर्स बनते जाते हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।